आप देख रहे हैं दखल न्यूज। भोपाल के पुरानी जेल में जहां स्ट्रांग रूम में वोटिंग मशीन रखी गई है, वहां सीसीटीवी कैमरा बंद पाया गया, यह आरोप कांग्रेस प्रवक्ता भूपेन गुप्ता ने लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेन गुप्ता ने कहा कि स्ट्रांग रूम में कैमरा बंद होने के बारे में पहले बताया गया कि बिजली की गड़बड़ी के चलते कैमरा बंद है, जबकि बिजली इंचार्ज से जब ये पूछा गया तो उनका कहना था कि कलेक्टर के आदेश पर कैमरा बंद किया गया था। कांग्रेस का आरोप है कि 1.5 घंटे कैमरा बंद पाया गया और यह सब सुनियोजित तरीके से किया गया। भूपेन गुप्ता ने कहा कि मॉक ड्रिल में जो मशीन होती है उसका ब्यौरा भी चुनाव आयोग को देना चाहिए। आज जो भोपाल का मतलब जो स्ट्रांग रूम है जेल का, उसके करीब 1.5 से 2 घंटे तक सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए और बंद तो उस पर जो है हमारे कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर घेराव किया है, वहाँ पर कार्यकर्ता गए हैं। हमारी जो है चुनाव आयोग से मांग है कि इस तरह की जो लापरवाही है, जो ये आपराधिक लापरवाही है, इसकी जांच की जाए, जो लोग दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और दूसरा इस पूरे मध्य प्रदेश में सुनिश्चित किया जाए कि अवैध रूप से जो है ये सारे स्ट्रांग रूम्स जहाँ पर बनाए गए हैं वहाँ पर बिजली की सप्लाई बाधित ना हो और वहाँ पर इंश्योर किया जाए कि कोई अवांछित गतिविधियाँ वहाँ पर ना हो, और इसी को लेकर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। निश्चित रूप से डाउट है अगर 2 घंटे तक, क्योंकि कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि बिजली चली गई थी और जो वहाँ बिजली संभालने वाला ऑब्जर्वर है वो ये कह रहा है कि साहब कलेक्टर साहब ने स्वयं निर्देश दिए थे सीसीटीवी बंद करने के लिए, तो ये चीज़ चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि कलेक्टर ने किस आधार पर सीसीटीवी बंद करने के निर्देश दिए और उन 1.5-2 घंटों में जहाँ तक सीसीटीवी बंद थे उनमें वहाँ कौन व्यक्ति आया गया इसकी जानकारी वो सार्वजनिक करें। भूपेन गुप्ता ने कहा ठीक ऐसी घटना पर छत्तीसगढ़ के धमतरी में पटवारी और संबंधित अधिकारी को निलंबित किया जा चुका है। भूपेन गुप्ता का आरोप है कि बीजेपी को पता है उनकी सरकार जा रही है, इसीलिए ऐसी साजिश का भी अंदेशा है। कांग्रेस ने मांग की है कि मतगणना के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़ की अनावश्यक चर्चाएं ना हो और शांतिपूर्वक कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।